धमतरी रक्तदान ग्रुप व एम्बुलेंस सेवा समिति व भटगांव वासियों द्वारा कलेक्ट्रेट को आज फिर दोबारा से सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया गया। सड़क हादसे दिनों रात बढ़ते जा रहे हैं। सड़क जर्जर हो चुकी है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। सड़क कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा है कि गड्ढे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि गाड़ी किसी भी वक्त उनमें गिरने से काफी गंभीर हादसे भी हो सकते हैं। जबकि स्कूल व आईटीआई कॉलेज जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। बच्चों व भटगांव के ग्राम वासियों को सड़क दुर्घटनाओं का इसलिए ज्यादातर शिकार होना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, मगर हम चुप बैठने वाले नहीं। अगर जल्द से जल्द सड़क निर्माण नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम अपने गाँव वासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे जब तक की सड़क नहीं बन जाती। जो स्थिति है जर्जर है, उनके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए। किस तरह की दिक्कतें हो रही है अभी? वहाँ काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि इससे पहले हम लोग 15 दिन पहले आवेदन दिए थे। स्कूल कॉलेज खुलने के पहले वो रोड का निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें आश्वासन नहीं मिल पाया था। अपर कलेक्टर महोदय को दिए थे, तो अभी पुनः हम लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए कि जल्दी से जल्द रिपेयरिंग का कार्य किया जाए, बनाने का कार्य किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिला और यातायात संबंधित गाड़ियां आती जाती है, जिससे दुर्घटना अभी तक लगातार जारी है। कुछ दिन पहले आईटीआई के छात्र का एक्सीडेंट हो गया था रोड के चलते। क्या लगता है आप दोबारा दूसरा बार ये शिकायत करें, अब तक क्यों इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है? शासन से मांग तो हम लोग हर बार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं पीडब्ल्यू विभाग को भेज देते हैं। पीडब्ल्यू विभाग से हम लोग को तो अभी तक कोई सूचना आता ही नहीं है और किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अभी कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा हमें आश्वासन मिला कि जल्दी ही उनका निराकरण किया जाएगा, बनाया रिपेयरिंग का कार्य चालू किया जाएगा। अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, आगे अगर एक्शन नहीं लेता है तो किस तरह के आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे? अगर अभी 15 से 20 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सभी स्कूल बच्चे, कॉलेज और पूरे ग्रामीणवासी है। तो स्वयं गांव वाला जो रोड है ना, उसको बनाने के लिए अभी 15 दिन पहले और आवेदन दिए थे, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं किया गया, इसीलिए आज और आए हैं। लगातार 2 बार हो गया और आज कलेक्टर साहब से खुद मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब कार्रवाई करेंगे करके। और अभी हम लोग पिछले बार बोले थे कि स्कूल कॉलेज खुलने से पहले मतलब सड़क बन जाए करके, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी बनेगा तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर नहीं बनता है तो अब आंदोलन करेंगे, मान के चलो स्कूल कॉलेज फिर बंद। गांव की रोड की मांग हमारे पास आई है, उसका हम लोगों ने एस्टीमेट बनवाया है, उसको किस मत से कर सकते हैं उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं।